सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का, आर्क प्राइमल फियर मिथिकल वर्ल्ड का। तो गाइस, आर्क प्राइमल फियर मिथिकल वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में गाइस आप लोग ने यहाँ पे देखा होगा कि हमने जो है ना गाइस यहाँ पे भाई कुछ मैंटिस और एक खतरनाक सा पावरफुल सा मिथिकल पीटी जो है ना गाइस वो यहाँ पे टेम करा था। और ये जो मिथिकल पीटी है ना, भले इसका डैमेज भी मैं ज़्यादा नहीं जा रहा, लेकिन ये डायनो को नॉकआउट करने का काम जो है ना गाइस काफ़ी खतरनाक तरीके से कर रहा है। और ये मैंटिस जो हमारा बड़ा सा गीगा था बायोनिक वाला, उससे भी ज़्यादा घटिया निकला गाइस। ठीक है, तो ये मैंटिस मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। और अभी आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे हमारा जो सेकेंड बॉस का अंडा हमारे पास इतने टाइम से पड़ा हुआ है ना गाइस, उस अंडे को हैच करने का काम आज के इस एपिसोड में तुम्हारा भाई जो है ना गाइस वो करने वाला है। वैसे गाइस आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले, जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद एन और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का, तो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। वैसे मैं आपको बता दूं कि गेमिंग विद एनी के चैनल पे यहाँ पे 200 डेज इन प्राइमल फियर एंड मिथिकल वर्ल्ड का जो ना एपिसोड अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और गाइस हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक है, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में थैंक्स का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों, करते आज के इस एपिसोड का शुभारंभ बिना किसी देरी के और मचाते एकदम पुलटू तबाही ना मेरे भाई। वैसे गाइस ये अंडा जो है ना गाइस, ये हमने शायद से दो दिन से यहाँ पे हैच करने के लिए डाला है और ये हैच भी हो चुका है। एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास नोवा द डिस्ट्रॉयर का हाँ एक और अंडा पड़ा हुआ है, रुक जाओ इसको भी, हाँ भाई ये ले हैच कर ले आराम से भाई। ठीक है चलो, इसको हैच करने दो। और मेरे इन्वेंटरी में जो भाई फालतू की चीजें पड़ी है, ये देख रहे हो, बॉस बीस इसेंस ओरिजिन बिरिजिन ब्लड शेड, ये सब मुझे यहाँ पे अंदर डाल ले दो। अरे यार मेरा भाई रुक जाओ भाई, ये तो मेरे को चाहिए होता भाई। हाँ चड्डी, हाँ ये भी को, ये भी अंदर डालने दो, ये भी डालने दो। और मुझे पिकॉन द क्रीडर का जो सैडल लेना है गाइस वो ले लेना है भाई। ठीक है रुको, ये डाल ये डाल ये भी डाल। एंड पिकॉन द क्रीडर का सैडल जो है ना गाइस वो मैंने शायद से स्मिथी के अंदर, यस गाइस ये रहा यहाँ पे पड़ा हुआ है पिकॉन द क्रीडर का सैडल। और हमारे पास कुछ टेमेबल वर्जन है बॉसेस के, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है चलो, डन 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 डन। अभी हम लोग जो ना गाइस अंडे को आराम से हैच कर सकते हैं हमारे इन पांच एसी पे। तो यहाँ पे मैं अंडा डाल देता हूँ। एंड गाइस हमारा छोटे छोटा सा जो मछला है ना गाइस वो अभी बाहर, अरे निकल भी गया भाई। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से क्लेम एंड क्रायो। तो गाइस फाइनली हम लोग ने हमारा सेकंड बॉस जो है ना गाइस वो भी यहाँ पे टेम कर लिया है, जो कि होती है गाइस एक छोटी सी मोटी सी और बहुत ज्यादा बड़ी वाली मछली भाई। ठीक है, ये रे वो मछली भाई, 8 मिनट में बड़ी हो जाएगी ये मछली। वैसे ये लिखो गाइस, ये रही गाइस हमारी छोटी सी मोटी सी मछली गाइस, देख रहे हो देख रहे हो गाइस। भाई इससे जब फाइट ली थी तो कितनी ज्यादा बड़ी वाली मछली थी, और अभी देखना गाइस कितनी छोटी सी मछली है गाइस। वैसे जो ना गाइस इसकी एबिलिटीज देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं इसको तुरंत ही जो ना गाइस यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ये लो गाइस हो गई बड़ी, अरे बाप रे कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई लग रहा है। ये देखो गाइस भाई इसकी साइज देखना यार, जितने भी डायनोस टेम करे इसके सामने छोटे पड़ जाएंगे। ये देखो गाइस मेरा घर, बाप रे इसका जितना मुंह है ना भाई उतना तो बड़ा मेरा घर है भाई। और जो इसके भाई पेट की मोटाई है ना गाइस उतनी तो भाई लंबी मेरे घर की भाई चौड़ाई है भाई, क्या बताओ भाई कितनी मोटी मोटी सी मछली है भाई। देखो रुको 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 गाइस, और इसको मैं आर्मर पहना लेता हूँ, रुक जाओ इसका, इस आर्मर से जो ना गाइस इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगी। बाकी इसको कंट्रोल करना जो ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट गाइस ये मछली के पास ना काफी ज्यादा खतरनाक एंड ओपी वाले जो ना गाइस अटैक्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। पहले तो गाइस आप इस मछली का लुक देखना गाइस, है ना गाइस खतरनाक। इसके नीचे जो ना गाइस एक शील्ड जो ना गाइस वो गोल गोल घूमती रहती है गाइस, एक एनर्जी शील्ड है गाइस, ये देख रहे हो। देखो गाइस ऐसे जो ना गाइस इसके नीचे गोल गोल घूमती रहती है। और गाइस हम इसके सामने जो ना गाइस देखो एक छोटे से तुच्छ से भाई मनुष्य है गाइस, देखो भाई
कितू सा छोटा हो गया मैं इसके सामने। रुक जाओ मैं राइड कर लेता, अबे राइड करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा अभी तो। रुक जाओ ग्लिच हो गया ऊपर से मैं। अरे भाई राइड करा दो भाई, 100-150 ज़्यादा ले लो लेकिन राइड करा दो भाई। हेलो दो, अरे अरे अंकल अबे राइड तो करा दो। अच्छा मोटे मोटे पेट को पकड़ के राइड करना पड़े। अबे हेलो, अरे भाई इसको राइड क्यों नहीं कर पा रहा। अबे मछली, अरे भाई पागल बना रही है क्या है। रुक जा कुछ तो गड़बड़ है दया, क्राइव कर लेता रुको। भाई राइड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था मेरे को। हाँ ये रे मछली, हाँ आप भी आया राइड का ऑप्शन। चलो चलो गाइज, तो गाइज अभी इसकी एबिलिटीज देख लेते हैं। इसके पास काफी सारी ना अलग अलग तरह की पावर्स और एबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। सो सबसे पहले तो बाइट अटैक भाई, देखना गाइज। यस ये इसका बाइट अटैक। ओके उसके बाद है लिप क्लिक पे, बूम बाम। ये अटैक टारगेट लॉक वाला था क्या शायद से, रुकना। टारगेट लॉक था, यस गाइज। ओ या फिर यस 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 टारगेट लॉक अटैक गाइज। इसमें जो है ना गाइज, जो भी एनिमी हमारे नजदीक होगा आजू बाजू होगा उसको जो है ना गाइज इसका ये वाला अटैक लॉक कर देगा। सिलेस्टियल एलोसोरस को भी फेल दिया भाई इसने, विदाउट लेवल अप सिलेस्टियल एलो को फेला है भाई, ठीक है। और टारगेट लॉक होते ही अबे तुम दोनों जिंदा कैसे हो, रुको ये दोनों कैसे मर गए, मर गए गाइस दोनों। देखा गाइस गोल गोल घूम रहे थे, इधर उधर चल रहे थे, बट फिर भी टारगेट लॉक करके जो ना गाइस हम लोग ने उनको मार दिया गैलीमिमस को जो नीचे घूम रहे थे। और उसके बाद सी पे क्या था ये बताने का था। एक्स पे इसका वार्मूल अटैक होगा गाइस। अपने मुंह से ना एक छोटा सा बॉल फेंकती है ये, और ये आगे जाके जो है ना गाइस जहां पे भी टकराएगा वहां पे एक वार्मूल क्रिएट कर देता है, और उसके नजदीक जो भी डायनो होगा ना उसको अपने अंदर खींच लेता है। ये होल का जो है ना गाइस वो देखना, बीचों बीच जो है ना गाइस आप एक ब्लैक डॉट देख रहे हो गाइस, वो इस वार्मूल का जो है ना गाइस सेंटर है, और उसी सेंटर के अंदर जो है ना गाइस ये आजू बाजू के सारे डायनोस को खींच लेती है। और मरने के बाद जो है ना गाइस मैक्सिमम डायनोस जो नजदीक होते हैं ना उनकी बॉडीज भी दिखाई नहीं देती है। अभी ना इसके पास कंट्रोल वाला एक अटैक होगा, मीटियर शॉवर गाइस ये देखना, ये इसका मीटियर शॉवर अटैक। इस अटैक में क्या होता है, अगर आपके आजू बाजू कोई भी फ्लायर उड़ रहा है, अगर उस फ्लायर को इसका ये बम लगा तो डायरेक्टली जमीन पे गिर जाएगा और 10 सेकेंड के लिए स्टन हो जाएगा गाइस, ठीक है। सो ये स्टन वाला अटैक भी आप इसको बोल सकते हो। और ये इतने ही सारे जो अटैक है ना गाइस हमारे इस मछली के पास है। सी वाला अटैक क्या करता है, अरे नहीं यार सी वाला अटैक टारगेट लॉक वाला है। ये जो लेफ्ट क्लिक वाला अटैक मैंने पहले दिखाया ना गाइस आपको, ये वाला अटैक रैंडम बॉम्ब फेंकने वाला अटैक है गाइस, रैंडम बॉम्ब फेंकने वाला अटैक है ये वाला टारगेट लॉक वाला अटैक नहीं है। ये देखना टारगेट लॉक नहीं, देखना अभी देखना इनको टारगेट लॉक करने के बाद कैसा सिंबल आएगा इन डायनोस के ऊपर। ये देखो देखा उनके आजू बाजू जो है ना गाइस ब्लू ब्लू कलर का जो है ना गाइस एक रोशनी चमक रही थी, मतलब वो जो है ना लॉक हो चुके हैं यहाँ पे। और उसके बाद डायरेक्टली उनके ऊपर जो है ना यहाँ पे बम गिरे, और उसके बाद बॉम चिकी चिकी बॉम बॉम स्वाहा हो गया। रुको पहले तो अभी इसको लेवल अप कर लेता हूँ मैं फटाफट से गाइस हमारी मछली को। अरे यार इस मछली की हेल्थ बहुत गंदी जाती है गाइस, भी इसकी आँख 2 बिलियन 2 बिलियन बेटा, ठीक है गाइस ठीक है गाइज 2 बिलियन गाइज 2 बिलियन हेल्थ। रेक्स 1 बिलियन क्लब में शामिल हुआ था, ये 2 बिलियन क्लब में शामिल हुई, और अभी तो 80 पॉइंट बचे हुए भाई, क्या करूं मैं। 3 बिलियन कर देता हूँ ठीक है, और 3 बिलियन रेन तो चलो 3 बिलियन रेन तो चलो, क्योंकि उसको मैं इम्प्रिंटिंग पोशन खिलाऊंगा वैसे भी, तब तो गाइज आपको पता ही है गाइज यहाँ पे उसकी हेल्थ लगभग 5 बिलियन हो जाएगी, और बचे हुए पॉइंट में इसके डैमेज में डाल रहा हूँ। अभी ये मछली आपको लगेगी काफी पावरफुल है, काफी गंदा वाला मारेगी यस, बट गाइज जिसको कंट्रोल करना ना हेडेक है भाई, हेडेक बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर इसके अटैक की बात करें, अभी टारगेट लॉक अटैक से चालू करते हैं, 15 मिलियन हर एक टारगेट पे, हर एक टारगेट पे आजू बाजू अगर 100 टारगेट है तो 100 के 100 डायनोस को 15 मिलियन का डैमेज पड़ेगा, समझ रहे हो। अरे रुको गाइज इतना कम थोड़ी डैमेज देंगे, एफएम के पोशन तो खिलाने दो गाइज इसको। हाँ एफएम के
अच्छा ये तो पहले से इम्प्रिंटेड थी, ओ मैं भूल गया था, ये पहले से इम्प्रिंटेड थी तो 15 मिलियन ही डैमेज जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट क्लिक 6 मिलियन, नॉट बैड ब्रो। 6 मिलियन का अटैक, नीचे आजू बाजू खड़े हुए सारे डायनोस को, ये काफ़ी बढ़िया, बट विदाउट टारगेट लॉक, इसलिए इसका डैमेज कम है भाई, ठीक है, रैंडमली लगेगा। एंड बाइट अटैक, बेटा बाइट अटैक की बात करें सो 15 मिलियन तो 11 मिलियन बाइट अटैक जा रहा है जिसका, ठीक है। वार्मोल अटैक, वार्मोल में किसको खींच लो इस बार, ये टाइटन्स को खींचता और को, ये लो 19 मिलियन का वार्म होल अटैक जा रहा है मैक्स टू मैक्स, ड्यूड मजाक हो रहा है ब्रो, गाइज ये खतरनाक है। कंट्रोल वाला अटैक ना ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि वो स्टन अटैक है ना गाइज, सो मेरे को उससे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है, बट फिर भी देखते चलो। मीटियर शॉवर अटैक इसका, यस जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, एरिया क्लियर कर दिया इसने, बट 2000-6000 डायनो स्टन, देखना कैसे वो भी पड़े, मर गए भाई स्टन पड़े हुए, ये देखना देख रहे हो गाइज, हिल नहीं पा रहे, धीरे धीरे हिल रहे भाई, इनके अंदर से ना बिजलियां निकल रही थी, बिजलियां, ये देखना गाइज, अरे मर गया यार, जो स्टन डायनो होता है ये देखो ये स्टन है भाई, देखना देख रहे हो, मर गया भाई, खतरनाक यार गाइज, ये काफी ओपी, अरे स्पाइनो, ओ अगले में स्पाइनो, अरे 1500, अगले एपिसोड में इसको ही टेम मारूंगा मैं, मेरे को निकलने दो, 1500 लेवल का स्पाइनो सिलेस्टियल वाला गाइज, अगर मैं उस स्पाइनो को लेवल अप करूँ, मतलब टेम करके लेवल अप करूँ, और लेवल अप करने के बाद अगर मैं उसको करप्टेड करूँ, करप्टेड करने के बाद मैं उसको सिलेस्टियल इवोल्यूशन दूँ, तो भाई आप समझ ही सकते हो उस स्पाइनो कितना खतरनाक बन जाएगा। वैसे ट्राई करने वाला हूँ मैं आने वाले एपिसोड में, टेंशन नहीं लेना। ये ले सी वाला टैग, 15 मिलियन हर तरफ, हाँ जो स्टेगो बीगो है ना गाइज, उनको थोड़ा सा आधा डैमेज पड़ जाता है अपना भाई, 7-7 मिलियन, क्योंकि स्टेगो के पास आपको पता ही है यार आर्मर होता है गाइज, और वो आर्मर जो है ना गाइज उनको प्रोटेक्ट करता है भाई। हेलो कैसा है, वार्मोल से प्राइमल को पेलता, देखना कितने सेकंड में मरता है, कितने सेकंड में, काउंट करना 2 सेकंड, 3, 5, 7 सेकंड, 7 से 8 सेकंड में मर गया गाइज, इजी पीजी। आप बोलोगे भाई तुम्हारा एक एक सेकंड बीच में से गायब कहाँ हो रहा था, भाई ये अपन का स्टाइल है रे बाबा। चलो गाइज वैसे आप बता रहा गाइज कि आपको ये खतरनाक सी और पावरफुल सी जो मछली है ना वो कैसी लगी, और इस मछली का इस्तेमाल करके ना हम जो भाई गाइज कोलोसस बॉस वर्सेस ये मछली कैसा लगा, क्या बोलती पब्लिक, कोलोसस बॉस वर्सेस मछली, कोलोसस की बैंड बजा दूंगा वार्मोल अटैक डाल के, मेरे को स्पाइनो भी टेम करना है, बट अभी मैं क्या करूँ समझ ना आ रहा भाई, कंफ्यूजन है, मुझे स्पाइनो भी टेम करना है, उसको इवॉल्व भी करना है, जिसमें 2 एपिसोड निकल जाएंगे हमारे, क्योंकि गाइस उसको इवॉल्व करने के लिए एक तो भाई हमको उसको मारना पड़ेगा पिकॉन को, क्योंकि हमारे पास सोल नहीं है, तो उसमें टाइम लग जाएगा, तो 2 एपिसोड उसमें जाएंगे, और एक कोलोसस वाला भाई, देखते चलो गाइस क्या कर पाते हम लोग भाई, क्या कर पाते देखते गाइस, ठीक है। बट मैं इसको पक्का 100% फायर कोलोसस से भिड़ाने वाला हूँ, फायर कोलोसस वर्सेस गाइस हमारी ये बड़ी सी पिकॉन द क्रिएटर मछली, वार्मोल अटैक गाइस, अबे ऐसे स्टन हो गई है ये देखना, अच्छा वार्मोल अटैक भी कुछ सेकंड के लिए स्टन कर देता है, अच्छा बड़ा ऐसा भी होता है, ओ ये मेरे को पता नहीं था, नाइस मजा आ गया गाइस, ये सच में यार पिकॉन को चला के जाना गाइस मजा, और गाइस रुको ऐसा थोड़ी होता है मेरे को, हाँ रुको हेलो सर, हाँ अरे 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 तबाही मच गई, अरे अरे हार्वेस्ट तो कर रहे थे, अरे थोड़ा सा वो ले लूंगा फेदर भीदर ले लूंगा यार भाई, खत्म भाई, छेद हो गया होगा यहाँ पे इस जगह पे, मर गए क्या मैक्सिमम डायनोस तो मर गए यार, हार्वेस्ट कर ले, फेदर मिला क्या, अरे फेदर मिला ना, हाँ फेदर मिला ना गाइज, देख रहे हो फेदर इकट्ठा करने की निंजा टेक ले, रुको सी वाला टैग दे, गए सारे ऑस्ट्री कला ना कर, खत्म भाई खत्म, अबे
हार्वेस्ट किसने करा? अबे मेरे को हार्वेस्ट करना था, आज सी वाला अटैक अगर हम डाल देते तो हम लोग गाइज यहाँ पे हार्वेस्ट नहीं कर सकते गाइज, मतलब वो ऑटोमेटिकली जो ना गाइज वो हार्वेस्ट हो जाता है यार यहाँ पे। ओके ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑटोमेटिकली हार्वेस्ट हो गया, कोई ना चलो। बट हम लोग ने गाइज नामो निशान तो मिटा दिया गाइज यहाँ पे। भाई जब भी हमको किसी डायनो का डैमेज टेस्ट करना होता है भाई, स्वाम बायम वाले काफी सारे डायनोज मारे जाते हैं यार फोकट में, लेकिन मजा आता है गाइज, मजा आता है। चलो ओ यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, रुक जाओ, फेदर लाइट की लाश है, हार्वेस्ट कर लेता हूँ, पता नहीं क्या मिलेगा बट हार्वेस्ट कर लिया मैंने। हेलो जी, मर गए सारे पैरेट पैरेट खत्म। वैसे वो कॉस्टिक वाला ही था क्या? हाँ कॉस्टिक वाला पैरेट था, उसे ज़्यादा कुछ हाइड मिला नहीं हमको, सही है चलो। लेकिन मज़ा आया गाइज। वैसे आपको कैसे पिकॉन द क्रिएटर कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना गाइज। मिलता है आपसे सीधा अगले एपिसोड में, आर्क सर्वाइवल बोल के प्राइम वुल्फ एंड मिथिकल वर्ल्ड के, तब देख ले बाय। एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा आपसे अगले एपिसोड में। For you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.